जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक नवादा सर के आदेशानुसार नवादा जिला में साइबर के ऊपर काफी कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में अतिक्रमण अधिकारी के द्वारा भी एक कलेक्टिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें वो कुछ नंबर चिन्हित करके देते हैं जो कि एनसीआरटी पोर्टल पे जिन पे शिकायत दर्ज है और उनपे साइबर प्रहार मेज ड्राइव चलाया जाता है। तो अभी वो वही समय चल रहा है, हम लोग को साइबर प्रहार के अंदर इस ड्राइव चलाना था, तो हम लोग कुछ आइडेंटिफाइड नंबर्स को फॉलो करते हुए छापामारी करने पैंगरी गांव वारसलीगंज थाना में गए। वहां पे जब हम गए तो हमें बहुत सारे लोग एक बगीचे में साइबर ठगी करते हुए दिखे। जब हमने उनको खदेड़ा तो हमें देख के बहुत दूर के भागने लगे। हमने बहुत दूर दूर तक खदेड़ के गाँव खेत में से और हम लोग पकड़ के लाए। वहां से फिर हम लोग चार लोगों को पकड़ के लाए, उनकी निशानदेही पे फिर हम एक और को ले आए पैंगरी गांव के लड़के को, जो उसके पास से भी वो नंबर्स मिले हैं जिसे साइबर ठगी किया जा रहा था। तो फिर पांच अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें न्यायालय में भेजा जा रहा है। ये लोग इस्लामिक फाइनेंस बैंक के नाम पे 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलाने के नाम पे ठगी करते थे और साथ में डोमिनोज एंड जूडियो का फ्रेंचाइजी देने के नाम पे ठगी करते थे। इन लोगों के पास वही डेटा है, वो अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। पुराने डेटा ये नहीं रखते हैं, एक दिन का डेटा रख रहे हैं और उसपे कॉल करते हैं, डेली ये सारे डेटा घटाते हैं। तो लेकिन हमारे पास दो कॉपीज भी मिली हैं जिसपे हर एक दिन के ये जितने लोगों को कॉल किए हैं उनके नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य, ईमेल आईडी इत्यादि लिखे हुए हैं और उसके सामने क्या उनकी बात हुई ये लिखे हुए हैं। स्पेशली लोन के केस में ये 1750 रुपए का ये मांगते थे प्रोसेसिंग फी और उसके बाद अदर फी के नाम पे और पैसे मांगते थे, लेकिन जो फ्रेंचाइजी देने के नाम पे ये बहुत बल्क अमाउंट मांगते थे। जैसे 2 से 3 लाख रुपया शुरू में प्रोसेसिंग फी मांगते थे, उसके बाद एनओसी के नाम पे 5 से 8 लाख रुपए मांगते थे। जैसे हमें एक वादी मिले हैं तेलंगाना के, जिनकी वाइफ के नाम पे इन्होंने यही जूडियो फ्रेंचाइजी के लिए पैसे मांगे थे, वाइफ के नाम पे उन्होंने ऑप्ट किया था, उन्होंने कुछ 8.5 लाख रुपए इन्हें दे दिया है। उनका एफआईआर भी तेलंगाना पुलिस के पास है, जिससे हम तेलंगाना पुलिस से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि इन लोगों को वहां भी रिमांड किया जा सके। हमारे साथ कुल हमारे थाना एवं पुलिस लाइन से उपलब्ध चैट बल उपलब्ध थे, जिनके साथ हम लोगों ने ये पूरी छापामारी की है। हमने टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम शशि कुमार है जो वारसलीगंज नवादा के हैं, पवन कुमार हैं जो भी प्राइमरी वारसलीगंज नवादा के हैं, एक और हैं शशिकांत कुमार उर्फ डब्लू जो कि प्राइमरी गांव के ही हैं वारसलीगंज नवादा, एक और शशिकांत कुमार हैं जिनका नाम और भी है गुड्डू, वो है बिहार शरीफ के नालंदा के, रवि कुमार हैं जो कि बेगूसराय बिहार शरीफ के हैं नालंदा के। इनके पास से कुल हमें 16 मोबाइल मिले हैं, जिनमें कुल 3 मोबाइल पे बहुत सारे FIR शिकायत एनसीआरटी पोर्टल पर दर्ज है। इनके पास तो 2 कॉपी मिली है जिनके डेटा शीट है पूरी, और डेटा शीट अलग से भी मिली है 4 पेज, आधार कार्ड मिले हैं एक ही आदमी के 4 जिसपे वो अलग अलग फोटो अलग अलग नाम का इस्तेमाल करके अपना ही बनाए हुए है अपने पास रखा था, उसी पे वोटर कार्ड मिले हैं 4 जो कहीं पे नाम चेंज है कहीं पे डेट चेंज है, उसके बाद पैन कार्ड ATM 4 मिले हैं। बस इतना आज का है और फर्दर हम इनके जो कुछ दोस्त लोग जो भाग गए हैं जिनको हमने 7-8 किलोमीटर तक हमने पानी भरे हुए खेत में खदेड़ा भी है, उनको पकड़ने में हम फर्दर लगेंगे और उन्हें जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं पैसे तो बराबर नहीं हुए क्योंकि ये बगीचे में ऐसे शीट लगा के बैठ के अपना करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो इनको डेटा कोई और उपलब्ध करवाता है, अकाउंट नंबर कोई और उपलब्ध करवाते हैं, मोबाइल नंबर भी कोई और उपलब्ध करवाते हैं जो इनके गैंग के लीडर्स हैं। हम जानते हैं उनको वो कौन है, अभी हमें पता चल गया है और उनके ऊपर हम कार्रवाई भविष्य में करेंगे। जो बैंक का लीडर है इस कंपनी का, उन्हें गिरफ्तार? नहीं, वो भाग गया। बहुत दूर तक हमने खदेड़ा, मतलब 7-8 किलोमीटर तक पानी में खदेड़ा, वो नदी के किनारे वो बहुत सारी झाड़ियां थी, झाड़ियां में वो पता नहीं किधर छुपे, बहुत ही कटीली झाड़ियां थी। जी जी